स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू शानी पनी एजुकेशनल अकेडमी। चलो लास्ट वीडियो में हमने न्यू लेसन स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 10, वो हमने अदर स्टडी किया था, बाकी का हम आगे देखते हैं। सिमी चाची वो स्टन एंड स्पीचलेस, वो जो मस्जिद उनकी जो पड़ोसी थी उन्होंने कहा कि वो आरिफ को देखो वो ज़्यादा चार्ज लेती है, वो तो मशीन से कारपेट बनाती है, आप तो हाथ से बनाते हो फिर भी आप कम चार्जेस लेते हो। तो ये सब सुन के जो सिमी चाची थे वो कैसे स्टन रह गए और स्पीचलेस, यानी उनकी बोलती बंद हो गई। शी हैड नेवर थॉट ऑफ हर कारपेट्स एज मेरिली अ मनी मेकिंग बिजनेस। सी लव वेविंग एंड ब्रिंगिंग टू लाइफ हर ड्रीम्स वन टू दोज कारपेट्स। वो उनको कभी भी ऐसे दिमाग में नहीं आया था, कभी ये ऐसी सोच नहीं आई थी कि उनके जो कारपेट को लेके जो उनका लव है वो उनके लिए पैसे कमाने का बिजनेस भी बन जाएगा। सी थॉट टू हरसेल्फ, वो अपने आप सोचने लगी, मस्जिद इज़ प्रॉबेबली राइट, मस्जिद सही कह रही थी, मे बी आई टू शुड स्टार्ट चार्जिंग मोर फॉर माई कारपेट्स, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गिव ओनली इफ आई एम पेड मोर देन आरिफ। तो अब वो क्या सोचने लगी कि मुझे भी कारपेट के पैसे लेने चालू करने पड़ेंगे, ज़्यादा चार्ज लेना पड़ेगा, और अब मैं इसीलिए कारपेट बनाऊंगी ताकि मैं आरिफ से भी ज़्यादा कमा सकूं। तो उसने अपने अंदर ये सोच बना ली कि मुझे आरिफ से ज़्यादा पैसे कमाना है इसीलिए मैं कारपेट बनाऊंगी। पहले वो कारपेट क्यों बनाते थे, क्योंकि उनका मन था, वो उनको कारपेट बनाना अच्छा लगता था, इसीलिए अब वो पैसे कमाने के लिए बनाने लगे। द नेक्स्ट डे एज यूजल टूरिस्ट श्वाम लाइक बीस एट सिमी चाचीज कारपेट वर्कशॉप। दूसरे दिन जो टूरिस्ट आते हैं वैसे ही सिमी चाची के कारपेट की वर्कशॉप पे आए, बट समथिंग स्ट्रेज हैम्पन, पर वहाँ पे कुछ अजीब हुआ। एज सिमी चाची बिगन टू व्यू द कारपेट दैट वॉज प्रोड्यूस वॉज प्लेन ब्लैक, इट बोर नो डिजाइन, प्रॉबेबली द थर्ड्स आर नॉट वर्किंग वेल टूगेदर, आई विल ट्राई अगेन, सेड सिमी चाची टू वन ऑफ द टूरिस्ट। कि उसने जैसे ही वो करना चालू किया, कारपेट बनाना चालू किया, तो वो एकदम प्लेन ब्लैक बना, कोई डिज़ाइन नहीं थी, और उस पर जो भी थ्रेड्स यानी जो दोरे लगे हुए थे वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने वो टूरिस्ट से कहा कि मैं दूसरी बार ट्राई करूँगी। एंड अगेन एवरी कारपेट डेट वॉज वुवन वॉज प्लेन ब्लैक, उसने फरी कोशिश करी फिर भी सारे कारपेट कैसे बन रहे थे, प्लेन ब्लैक ही बन रहे थे। सिमी चाची ट्राई हर बट द थॉट ऑफ मेकिंग मोर प्रॉफिट सम हाउ ऑब्स्ट्रुगेटेड हर इमेजिनेशन। सिमी चाची ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी, पर हर बार वही प्रॉब्लम हुई कि उनसे अच्छे से डिज़ाइन नहीं बनी, प्लेन ब्लैक ही रह जाता था, उनकी जो इमेजिनेशन थी वो एकदम से ब्लॉक हो चुकी थी। ऑब्स्ट्रक्ट का मीनिंग होता है ब्लॉक हो जाना। सन पीपल स्टॉप बाइंग सिमी चाची कारपेट। सिमी चाची फेल टू अंडरस्टैंड वाई शी कुड नॉट वेव ब्यूटीफुल कारपेट्स एनी मोर। सी कैप ट्राइंग बट शी फेस्ड द सेम रिजल्ट। और धीरे धीरे लोगों ने सिमी चाची से कारपेट खरीदना बंद कर दिया। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कारपेट ब्यूटीफुल बनाने में क्यों फेल हो रही, क्यों उनसे अच्छे कारपेट नहीं बन रहे। उन्होंने बहुत बार ट्राई करी पर उसको हर बार रिजल्ट सेम ही मिलता था। वन इवनिंग सिमी चाची वेंट टू दाल लेक। एक दिन वो दाल लेक के यहाँ गई, यानी दाल सरोवर में गई। सी स्टूड देयर गेजिंग एट द कलरफुल सिकार्स एज दे बॉबर्ड ऑन द वाटर। सी हर्ड द साउंड ऑफ अ चाइल्ड्स लाफ्टर। सी लुक अराउंड एंड शो अ चाइल्ड लाफिंग अवे एज सी वॉच द लेक। हर पेरेंट्स वेर स्पीकिंग विथ हर सिकारा ऑनर, प्रॉबली ट्राइंग टू फिक्स द रेंट फॉर द सिकारा, बट द चाइल्ड वॉज इन हर ऑन वर्ल्ड हैप्पी एज सी कुड बी। क्या कहा, एक दिन वो दाल सरोवर है वहाँ पे वो गई थी, वहाँ पे वो खड़ी है और कलरफुल सिकारा को पानी में देख रही है। तो उस टाइम पे एक बच्ची की उसको हंसने की आवाज़ आई, उसने देखा तो बच्ची अपनी तरीके से सरोवर को देख के हंस रही थी। देखो ये वाली बच्ची है वो सरोवर को देख के हंस रही है, और उनके जो पेरेंट्स है वो सिकारा का जो ऑनर है उसके साथ बात कर रहे हैं, और वो लोग क्या बात कर रहे हैं कि सिकारा जो है उसके लिए रेंट फिक्स यानी भाड़ा फिक्स करने की बात कर रहे थे, पर वो जो बच्ची है वो अपने आप में ही खुश है, अपनी दुनिया में ही खुश है। वेन सिमी चाची वेंट बैंक ऑफ, जब वो वापस घर पे आई एंड स्टूड स्टेरिंग एट हर ब्लैक कारपेट्स, द इमेज ऑफ द लाफिंग चाइल्ड रिशेड बैक टू हर माइंड। वो घर पे आके वो जो प्लेन कारपेट देखने लगी तो उसके माइंड में वो लाफिंग चाइल्ड जो हंसती बच्ची थी उसका फेस आने लगा। अ बिग स्माइल शोन लाइक द सन ऑन सिमी चाची के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आई।
When she started weaving again, the carpet turned out to be most beautiful carpet she had ever woven. और जब वो ऐसे हंसते हंसते अपने मन में ऐसे खुश रहते रहते उसको बनाना चालू किया कारपेट को, तो वो एकदम अच्छी डिज़ाइन से कारपेट बन गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पहले जब वो बना रहे थे तब उनके दिमाग में पैसे को लेके था कि उनको आरिफ से ज़्यादा पैसे कमाना था, इसीलिए वो ऐसा कर रहे थे। अब उनके दिमाग में वो चीज़ नहीं है, वो खुशी से हैप्पी होके स्माइल के साथ बना रहे थे। वो कारपेट कैसा बना? एकदम अच्छी ब्यूटीफुल डिज़ाइन वाला बना। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।